अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं। जब से मैं तुर्की आया हूँ तो लोग यही पूछ रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आप लाजमी बनाएं। और टॉपिक ये है एजुकेशन के हवाले से, कि यहाँ का स्कूलिंग का सिस्टम क्या है और बच्चों के लिए जो यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम है उसका प्रोसेस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है और यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके टाइप्स क्या है बेसिकली। तो उस हवाले से हमारे साथ जाहिद भाई मौजूद है, जो कि हमारे बहुत एक अच्छे दोस्त हैं, और इनके साथ आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस बनाएंगे अच्छी अच्छी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये सेटल्ड है। और मेरे आने से यहाँ पे, जब मैं आया हूँ तो उससे कुछ मंथ्स पहले इन्होंने भी यहाँ पे शिफ्ट किया है, और इनके साथ हमारा अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस रहेगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉन्सर शाउट आउट है, और ये है अवेस भाई, कैनेडा में होते हैं। इनका चैनल है ऑल अबाउट कैनेडा, और मैं स्पॉन्सर्ड शाउट आउट तब देता हूँ जब मुझे उस बंदे का कंटेंट पसंद आता है, उसमें रियलिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, तो फिर मैं देता हूँ। तो अवेस भाई का चैनल जो है ये ऑल अबाउट कैनेडा है, ये 15 साल से कैनेडा में रहते हैं, और कैनेडा के हवाले से ये रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ के जॉब्स के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, वहाँ पर और जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से ये तफसील से वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, इनका चैनल का मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। अभी जो है, अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा ये कि तुर्की के अंदर कौन कौन से स्कूल्स अवेलेबल हैं अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो नंबर वन, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स अवेलेबल है जो कि इंग्लिश मीडियम होते हैं। वैसे तो तकरीबन तुर्की का कोई भी स्कूल होगा तुर्किश, तो वहाँ पर ज़ुबान लाजमी है। और मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, सजेस्ट किया है कि अगर आप तुर्की में शिफ्ट होना चाहते हैं तो कोशिश करें, फोकस रखें कि आप टर्किश लैंग्वेज सीखें। तो इस हवाले से हम ज़रा जाहिद भाई से एक क्वेश्चन करते हैं कि टर्किश यहाँ पे ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्कूल सिस्टम हो, टर्किश कितनी ज़रूरी है यहाँ पे। जी भाई? बहुत शुक्रिया वली भाई ये मौका देने का, और इजहार ख्याल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि टर्किश तो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तमाम स्कूलों में, मां सवाए प्राइवेट स्कूल के जो प्योरली इंग्लिश मीडियम हो। अदरवाइज जितने सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो यहाँ की सोशल स्टडीज़ हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, वो सब के सब तकरीबन टर्किश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। शुक्रिया जाहिद भाई कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। तो इससे हमें पता चलता है कि टर्किश ज़ुबान तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली यूज़ होने वाली ज़ुबान है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स की। यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वो प्योरली जो है ना इंग्लिश मीडियम है, और आपको हर जगह पे तो नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं शायद वहाँ पे आपके घर के करीब ना हो, लेकिन जहाँ भी वो होगा तो पिक एंड ड्रॉप उसकी सर्विस अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं, ब्रिटिश करिकुलम वाले भी होते हैं और अमेरिकन जो करिकुलम है वो भी होते हैं, तो वो अवेलेबल है। अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन जो एक अभी हमारा दोस्त यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उन्होंने अपने बच्ची का एडमिशन वहाँ पे करवाया है, तो तकरीबन $500 पर मंथ या $600 पर मंथ उसकी कॉस्ट होती है, यानी कि यहाँ के 4-5 हज़ार लीरा। और सिस्टम ये होता है कि आपको सालाना जो है वो 3 मंथ्स का ना एक साथ वो फीस देनी होती है, वो जी जी क्वार्टरली, और वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये होता है कि सालाना आपको बताया जाता है कि सालाना इतनी फीस है उसकी। ठीक है, तो फिर आप किस्तों में देते हैं हर 3 महीने के बाद। तो ये इंटरनेशनल स्कूल की कॉस्ट है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास प्राइवेट जो इंटरनेशनल स्कूल है वो भी प्राइवेट होता है। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल है वो टर्किश मीडियम, यानी कि वो गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं होता, प्राइवेट स्कूल होता है, लेकिन वो भी टर्किश मीडियम होता है। उसमें इंग्लिश आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बाकी सारे जो है ना सब्जेक्ट्स वो होते हैं टर्किश में। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप अगर देखें तो वहाँ पे उर्दू मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ भी है, लेकिन उसके गवर्नमेंट से उनका ज़रा सा अच्छा होता है। ठीक है जी, और तीसरे नंबर पे जो सबसे फेवरेट है हमारा, मेरा भी और जाहिद भाई का, वह है यहाँ की गवर्नमेंट यानी सरकारी स्कूल्स, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और ये भी थोड़ी देर में आपको जाहिद भाई बताएंगे कि उनका प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का, और उसमें क्या कुछ मिलता है। क्योंकि जाहिद भाई को मैं इसलिए आज यहाँ पे इनवाइट किया है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों का जो है एडमिशन करवाया है और पूरे प्रोसेस से ये खुद गुजरे हैं। ठीक है जी, तो जो प्राइवेट स्कूल्स है टर्किश वाले, उसकी तकरीबन $150 से लेके $200 तक, यानी कि 1,000 लीरा पर मंथ फीस होती है। तो ये आप जहन में रखिए कि इतने आपको कॉस्ट आएगी अगर आप प्राइवेट टर्किश स्कूल के अंदर अपने बच्चे को दाखला दिलवाएंगे। ठीक है जी, तो इसकी इतनी कॉस्ट है। अब जो गवर्नमेंट टर्किश स्कूल्स हैं, सरकारी जो स्कूल्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। छोटा मोटा जो कोई खर्चा होगा वो अलग बात है, लेकिन वो फ्री है।
और वो तकरीबन हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप किसी भी इलाके में इस्तांबुल में रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, तो आपके घर के आसपास लाजमी तौर पे वो स्कूल्स अवेलेबल होते हैं। जो टर्किश प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि वो फिर भी आपके घर से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतनी इसकी चार्जेस नहीं है, और उसमें जो है आपका एडमिशन भी फ्री हो जाता है, फिर आपको किताबें भी फ्री मिलती है, और स्टेशनरी आपको लेनी पड़ती है, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन 65 लीरा की है, जो कि अभी मुझे जाहिद भाई ने बताया है ये। और यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, वो भी जाहिद भाई से हम पूछेंगे। तो जो प्रोसेस है, दूसरा जो इंटरनेशनल इंग्लिश वाला स्कूल है उसका प्रोसेस भी इससे मिलता जुलता होगा, या हो सकता है इससे कम रिक्वायरमेंट्स हो, और टर्किश प्राइवेट का भी इसी तरह होगा। लेकिन जो मेन स्कूल है जिसमें ज़्यादातर हमारे मेजॉरिटी लोग जो है ना, वो लाजमी बात है इस वाले स्कूल में जाएंगे, जो टर्किश गवर्नमेंट स्कूल है, जो जिनका जिनकी जिसका स्टैंडर्ड भी अच्छा है, और काफ़ी हमने तारीफ सुनी है, और जाहिद भाई और बताएंगे, तो मेजॉरिटी लोग जो है ना टर्किश गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे। तो जाहिद भाई बताए लोगों को, हमारे व्यूवर्स को, कि इसका प्रोसेस क्या है। पाकिस्तान से ये प्रोसेस लाजमी बात है स्टार्ट होता है, जब कोई डिसाइड करता है कि मुझे शिफ्ट होना है परमानेंटली, तो वहाँ से लेके यहाँ तक बताएं कि आप अपने बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमारे व्यूअर्स और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी वली भाई, ऐसा है कि जैसे कोई फैमिली पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चाहिए कि एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिस स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहाँ से हासिल कर लें। फिर उसके बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट जरूर करा लें उनके सर्टिफिकेट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है वहाँ तक की हद तक पाकिस्तान। इसके बाद आपको जब यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर आकर आप लोगों को उन सर्टिफिकेट्स की टर्किश ट्रांसलेशन करानी है, टर्किश ट्रांसलेशन करानी है उन सर्टिफिकेट्स की, और उसके साथ उसको ट्रांसलेशन को अटेस्ट कराना है पाकिस्तान की कौंसुलेट से या एम्बेसी से यहाँ पे, उस ट्रांसलेशन को सर्टिफिकेट की। वो जब अटेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने ये दूसरा स्टेप, उसके बाद आपने उन सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके, एक इनका ऑनलाइन पोर्टल है एजुकेशन का जिसको डेंक लिंक कहते हैं, वो हम आपको लिंक भेज देते हैं, अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। जी, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। उस पे जाके आपने अपने बच्चों का वो जितने सर्टिफिकेट्स आपने जो ट्रांसलेट कराए हैं वो प्लस ओरिजिनल, वो आपने स्कैन करके अपलोड कर देने हैं, और प्लस अपनी जो आईडी है, आपकी जो टर्किश आईडी है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए। यानी कि रेजिडेंस परमिट जो है, जी किमलिक जिसको यहाँ पे लोकल जुबान में कहते हैं, वो लाजमी है, वो लाजमी है। इसका मतलब है कि जब आप पाकिस्तान से अपना टेस्टेड जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट है वो लाएंगे, तो आपने घर पे बैठ जाना है, जब तक आपको कार्ड या किमलिक नहीं मिलता तो बाकी प्रोसेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एम आर आई? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है सारी चीजें, वो आप उसको अपलोड कर देंगे, और वो जब अपलोड करेंगे उसके ऊपर, तो उसके अंदर फिर सारे स्टेप्स मौजूद हैं, गो कि वो टर्किश में होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडेबल होते हैं आप उसको, तो वो असेसमेंट के लिए चले जाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, एक अपॉइंटमेंट डेट दे देंगे, लेट से एक हफ्ते बाद की, 10 दिन बाद की आपको डेट दे सकते हैं कि फलां स्कूल या एड्रेस पे जाकर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश हो जाएं जो आपने अपलोड किए हैं। तो वो जब आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाएंगे, और वहां पे एक रेफरेंस भी आपको मिलता है जब आप अपलोड करते हैं, तो वो उस आपको बताना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट मिली होती है, तो वहाँ पे फिर वो आपसे तकरीबन एक हफ्ते का प्रोसेस होता है, वो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो भी मुतल्लिका इदारा है वो उनको असेस करता है और इक्विलेंसी का सर्टिफिकेट देते हैं आपको एक हफ्ते बाद। तो जब आपको इक्विलेंसी का सर्टिफिकेट जो होता है मिल जाता है बच्चों का, तो वो इक्विलेंसी का सिर्फ सर्टिफिकेट आप ले के अपने मोहल्ले के जो करीब जो भी आपका गवर्नमेंट का स्कूल है वहाँ आप ले जा सकते हैं, और वो पेश करते हैं और अपना किमलिक पेश करते हैं, और आपके बच्चे की वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और ये देन एंड देयर हो जाता है उसी जगह पर। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, वहां पे आपसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगा जाता है, वहां पे उसको मुख्तार ऑफिस होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई चेयरमैन का ऑफिस होता है लोकल या इदारा, जैसे म्यूनसिपल कमेटी होती है, तो वहां पे आपके कम्युनिटी का एक मुख्तार होता है यहाँ पे इसी तरह, तो वो आपको देन एंड देयर आपका किमलिक नंबर डाल के आपको प्रिंट करके दे देते हैं, तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है स्कूल की, वो प्लस ये जो आपको इक्विलेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपने देना है, और आपको उसी वक्त आपको रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी स्कूल का, एडमिशन बच्चों का हो जाएगा। चले जाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त मालूमात हमारे साथ शेयर की है, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊं कि जो किमलिक होता है या रेजिडेंस परमिट होता है वो वालदेन का भी चाहिए और वो बच्चे का भी चाहिए जिसका एडमिशन जो है वहां पे हो रहा है, ठीक है। और हमने वंस अगेन आपको समराइज कर देते हैं, प्रोसेस तो जाहिद भाई ने आपको बता दिया, इंटरनेशनल स्कूल्स महंगे हैं,
अफोर्ड कर सकते हैं आप वेल एंड गुड जाए उसमें, लेकिन इंग्लिश टर्किश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर आप टर्की आते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो टर्किश लैंग्वेज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके अलावा हमने प्राइवेट स्कूल का भी बता दिया, गवर्नमेंट का भी बता दिया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है नीचे कॉमेंट्स में करें। और जाहिद भाई के साथ जो है हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे। जाहिद भाई जो है सिटीजन बन चुके हैं यहाँ के तुर्की के। जाहिद भाई जो है ना, ये इनके साथ हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, बाद में हम वीडियो में आपको शेयर करेंगे कि इनका कितना हाथ है यहाँ पे। मेरा तुर्की जब मैं आया हूँ ना, तो इसमें बड़ा हाथ है इनका, तो वो हम बाद में इस पर बात करेंगे। तो जाहिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।